के पास आती है
पास आकर के कहीं हमारा विश्वास दावा टूट तो नहीं होगा, चिंतन कि भगवान हमारा यह कार्य कर देंगे कि नहीं करेंगे, आता है कि नहीं आता है? शायद नहीं आता होगा आप लोगों को, आप लोगों को विश्वास होगा। और सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है। मैं कभी डामाडोल नहीं होता, उसे शंका नहीं होती है किसके प्रति, सच्चे वीर, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धान होता है, उसे शंका नहीं होती है। ध्यान रखना, और जहां पर शंका नहीं होगी वहां पर कौन सा अंग आ जाएगा, शंकित अंग आ जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, यह सम्यक दर्शन 8 अंगों से विभूषित होता है। निशंकित, निकांचित, दिव्य चिकित्सा, अमूल दृष्टि, उद्भवन स्थिति पर वास्तव और क्या है, निशंकित अंग क्या कह रहा है, पता है आप लोगों को परिभाषा निशंकित अंग की, किस किस को पता है, शायद सभी को पता हो। निशंकित जहां पर शंका का कोई भी स्थान नहीं है, वह क्या है, निशंकित अंग है। दृष्टांत किसका दिया है निशंकित अंग में, आरंभ कारण कछु न जाना, आगे बोल तो दू, किसका दिया, अंजन छोड़ना, धन्य हो अंजन निरंजन बन गए, फिर भी हम आज उनको क्या कहते हैं, चोर कह रहे हैं। देखिए तो कैलाश पर्वत से जाकर के उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, और हम आज भी उनको अंजन छोड़ कह रहे हैं। भविष्य भी हमारे मुख से निकल जाए तो दोनों हाथों से कान को पकड़ लेना कि हे भगवान, हमसे गलती हुई, आपको निरंजन बन गए, आज भी हम आपको छोड़ कह रहे हैं, मैं चोर नहीं था, मैं भी एक राजकुमार था, ध्यान रखना। लेकिन किसी प्रसंग में फंस गया, व्यसन में फंस गया, और फंस करके चोरी कर ली, लेकिन विश्वास अटल था, और सिद्धि की प्राप्ति कर ली। जब सिद्धि की प्राप्ति हो गई, अब बच गया, तो मन में आया कि इतनी सिद्धि में बच गया, सीधे चला गया गुरुदेव के चरणों में, और दीक्षा धारण कर ली, और सिद्धों से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ऐसा था अनुजन जो निरंजन बन गए। इनको जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनको शरीर के 8 अंगों से भी घटाया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि कैसे घटाया जा सकता है, आप लोगों ने घटाया तो